यूपी के जौनपुर में एक सड़क का शिलान्यास करने को लेकर बीएसपी सांसद और बीजेपी विधायक के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। दरअसल बदलापुर विधानसभा क्षेत्र के पूरे दयाल ढेमा में खजुराहन गांव तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बन रही है। इस सड़क का शिलान्यास पहले क्षेत्रीय बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने खुद कर दिया और जब इनकी भनक जौनपुर के बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव को हुई तो उन्होंने भी समारोह पूर्वक शिलान्यास कर दिया। सभा को संबोधित करते हुए सांसद ने नियमों को हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की सभी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन सांसद को करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि बदलापुर के विधायक रमेश मिश्र देखने में बहुत अच्छे हैं लेकिन उनका काम अच्छा नहीं है, उनमें अज्ञानता है। सांसद ने आगे कहा कि बीजेपी वाले सांड हो गए हैं, वे जहां चाहे चल रहे हैं। अगर मेरे खत में सांड घुसेगा तो मैं डंडा लेकर दौड़ाऊंगा और मारूंगा भी। मैं मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखूंगा। उधर बीएसपी सांसद के बयानों पर पलट वार करते हुए बीजेपी एमएलए रमेश मिश्रा ने कहा कि मुझे पता है कि सांसद ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। उनका इलाज दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में चल रहा है। जब उनका मानसिक संतुलन ठीक हो जाता है तब वो जौनपुर आकर अनाप शनाप बयान देकर दिल्ली चले जाते हैं। एक उत्तर प्रदेश के मंत्री ने भी किया, मैंने अखबार में टीवी में कहा कि अगर मेरे खेत में कोई सांड, ये सांड की तरह है, ये जो बीजेपी वाले हैं इस समय ये सब सांड की तरह है, क्योंकि जहां चाहे वहां घुस जाए, जिसके काम पर चाहे उसके बोर्ड लगा दे अपना, समझे नहीं। लेकिन हाँ, मैं विपक्ष में रहते हुए थोड़ा कमजोर जरूर हूं लेकिन हौसला है। अगर सांड मेरे खेत में घुसेगा तो उसे डंडा लेके दौड़ाऊंगा, मारूंगा। ये पत्रकारों को कह दीजिए, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अगर मेरे खेत में सांड घुसेगा तो उसे डंडा से दौड़ाऊंगा, उसे मारूंगा। और मैंने पिछली बार तो माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं लिखा, लेकिन इसमें इस बार जरूर लिखूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। श्याम सिंह यादव एक ऐसे जौनपुर के जनप्रतिनिधि हैं जिनको बहुत लोग नाम जानते हैं, ना बहुत लोग चेहरा पहचानते हैं। साल भर में एक आध बार शायद वो जौनपुर की धरती पर आते हैं और जौनपुर की धरती पर आकर के, क्योंकि मानसिक संतुलन उनका उन्होंने खो दिया है और कहीं ना कहीं से वैक्षिप्त हैं और उनका मानसिक इलाज जो हमको जानकारी प्राप्त हुई है कि उनका मानसिक इलाज जो है दिल्ली में शायद किसी बड़े अस्पताल में चल रहा है। तो साल में जब एकाध बार उनकी स्थिति ठीक होती है तो जौनपुर की तरफ वो कूच करते हैं और जौनपुर की तरफ आने के बाद वो अनाप शनाप बयान दे करके फिर चले जाते हैं। हमको लग रहा है कि दो दिनों प्रवास किए और दो दिन के बाद वो फिर चले गए। आपको एक साल बाद या छः सात महीने बाद, आठ महीने बाद फिर उनके दर्शन होंगे। और रही बात की वो जिन कार्यों की बात कर रहे हैं, और मैं बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूँ, इसके पहले एक शटल ट्रेन मैंने रुकवाई थी और शटल ट्रेन पर भी वो जबरदस्ती वहां पहुंच गए हरी झंडी दिखाने के लिए। कुल 5 लोग उनके साथ थे और मेरे साथ हजारों कार्यकर्ता का हुजूम था, लेकिन मैंने उनका सम्मान किया। एक सांसद के नाते मैंने उनका सम्मान करते हुए उनको अपने मंच पर बैठाया और उनको उद्बोधन करने के लिए मैंने माइक भी दिया, यानी मेरा मंच, और उसी मंच पर मैंने उनको समय भी दिया कि आप अपनी बात रखिए। लेकिन जब वो प्रेस वार्ता में गए तो उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि उस ट्रेन को मैंने रुकवाया, तो हमने पत्रकारों से कहा कि मेरे मीडिया के सभी साथी उनसे जरा एक ही चीज पूछे कि उनके पास कोई प्रूफ है कि उन्होंने ट्रेन को रुकवाया। जब वो कोई प्रूफ नहीं दे पाए तो मैंने जो हमारे अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे मैंने मंत्री है, रेल मंत्री है, उनका एक पत्र जो मेरे पास आया था उस पत्र को मैंने मीडिया में प्रकाशित किया कि हमारे पास लेटर आया है कि आपके कहने पर ट्रेन रुक रही है, शटल ट्रेन, फला टाइम पर फला समय पर आप जाइए, उसको हरी झंडी दे करके रवाना करिए। देखिए क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो काम होती है, जो सड़क होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सड़कों में जो है कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सड़क में सांसद और विधायक दोनों लोग मिल करके उसका सामंजस्य उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि जिस सड़क की कल उद्घाटन या शिलान्यास करने गए थे, उस सड़क का शायद उद्घाटन उन्होंने करने गए थे, उस सड़क जो है
आप गांव वालों से जाके पूछिए कि बस सड़क आज लगभग 6-7 4 और महीने से बन रही है।